इतने लॉन्ग टूर के बाद फाइनली एक ढाबा पर हम उतरे। हाँ, 150 किलोमीटर, 3 घंटा से रेगुलर चल रहे हैं। ट्रैवल टू एस्केप आवर रियलिटी, लाइफ लुक्स मोर ब्यूटीफुल हियर अवे फ्रॉम द हसल। यू आर अ फ्री बर्ड, यू कैन बी एनीथिंग, यू कैन इमेजिन एनीथिंग। सिर्फ और सिर्फ सो लेट्स एस्केप टू माय रियल वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। अगर घर रहेगा तो कहाँ पर सर्वाइव करेंगे। बारिश होने की वजह से अभी हम लोग जो है एक पेट्रोल पंप के पास आकर वेट कर रहे हैं। हमें अभी मधुबनी निकलना है और मधुबनी निकलने के बाद जो है उससे आगे का डेस्टिनेशन आपको बताएंगे। मैं हूँ और मेरे साथ मामू जान है। अपाची 160 से हम लोग अभी जाने वाले हैं। जब हम घर से निकले थे तो ऐसा मौसम बिल्कुल भी नहीं था और अभी बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुका है क्योंकि इस साइड में बाढ़ आया हुआ है। अभी जो है हमें फिर से जो है ना निकलना है क्योंकि बारिश थोड़ा डाउन हो चुका है और फिर आगे का बात आगे देखते हैं। फाइनली अभी हम मधुबनी में और मधुबनी को देखते ही समझ में आ रहा है कि शाहियों का अड्डा। बीच में कुछ बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगी थी बट अभी जो है मधुबनी में आने के बाद जो है बारिश एकदम ख़त्म है और बारिश में मोबाइल को खोलना मतलब वही में। वेलकम टू नेशनल हाईवे। मैं सुपौल में और यहाँ अभी महाकोसी पुल अभी पीछे लिखा हुआ देख रहा था, वेलकम टू सुपौल महाकोसी पुल। ट्रैक अभी तैयार नहीं हुआ, अभी तैयार हो ही रहा है और ये रहा कोसी नदी। कवर कर लिया है 150 किलोमीटर और रेगुलर अभी हमने लगभग 3 घंटे से रेगुलर ड्राइव कर रहा हूँ। अभी 8 बज रहे हैं और अभी हमने सोचा है कि कुछ एक ऐसा जगह चॉइस किया जाए जहाँ पर जाकर हम बैठ कर थोड़ा चाय वाय पिए। बहुत ही ज़्यादा मतलब थकावट ऐसा बता सकता हूँ ना कि बम जो है ना एकदम बहुत ही हार्ड वाला पेन कर रहा है बम का। और मैंने जो है ना अपने घर के एक नॉर्मल हेलमेट को ले लिया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसमें माइक रख सकूं और मोबाइल से व्लॉगिंग कर सकूं। एक बात है तो पता चल गई कि व्लॉगिंग के लिए सबसे पहले जो चाहिए वो ये कि आपके पास अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स होने चाहिए और ख़ासकर जब आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो तो ऐसे में तो चाहिए। अक्सर मोटो व्लॉगर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबा लंबा टूर करते हैं तो उनके पास GoPro होता है, उनके पास बहुत कुछ होता है बट हमारे पास कुछ नहीं है, मोबाइल है। भाई इस मोबाइल से व्लॉगिंग कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है लेकिन एक तरीके से ये सही जगह है, ये सही जगह है अन्नपूर्णा ढाबा। हाँ हाँ रुक दीजिए, हाँ 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 चाय पीना है। इतने लॉन्ग टूर के बाद फाइनली एक ढाबा पर हम उतरे। कैसा फील हो रहा मौजन आपका? अच्छा हाँ मौसम अच्छा। कितना किलोमीटर टोटल अब तक चला होगा? लगभग 150। हाँ 150 किलोमीटर, 3 घंटा से रेगुलर चलते हैं। तो चलो अभी बता देता हूँ कि आखिर जा कहाँ रहा हूँ। तो भाई साहब आपको बता दे कि अभी हमें जाना है मधेपुरा। तो सीतामढ़ी से मधेपुरा टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा आपने, तो सीतामढ़ी से मधेपुरा जाने में कितना टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है, ये सारी बातें आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले एक बात बता दूं कि अब तक जो है 150 किलोमीटर का सफ़र तय हो गया और अभी एक ढाबा पर रुके हैं यहाँ पर चाय वाय पीने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए। और यहाँ रहा मेरा बाइक अपाची 160 और उसके साथ साथ जो है ये NH 52 है ना, NH 52 यहाँ है। और अब तक का जो सफ़र रहा है सही रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही सही। और यहाँ पर एक ढाबा जहाँ पर चाय वाय पियेंगे। तो अब तक जो सफ़र रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, मान सकते हैं कि लाइफ का पहला मोटो व्लॉगिंग क्या, हम तो पीछे बस बैठे हुए हैं एक मैप देखने के लिए एक तरीके से मैप देखने के लिए जैसे होता है ना एक सहायक असिस्टेंट के तौर पर, मतलब बस और बस मैप देखना है कि भाई सब कहीं रास्ता भटक तो नहीं जाए, इसके लिए हम पीछे बैठे हुए बाइक पर। और रही बात मेरे लिए, तो बाइक से पहली दफ़ा इतना लॉन्ग टूर पर आया हूँ। अभी तक जो है 150 किलोमीटर तय कर लिया और अभी भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस बचा हुआ है। व्लॉगिंग के लिए क्या क्या चाहिए था,
एक गाड़ी, ये एक बैग, उसके अंदर कुछ चार्जर, पावर बैंक वगैरह, वो एक हेलमेट और वहाँ एक हेलमेट, दो हेलमेट, उसके साथ साथ एक बैग, एक बाइक जिसके अंदर खाली पेट्रोल भरा हुआ है और कुछ नहीं। का मतलब है कि ये वही बिहार का राज्य है जहाँ खड़े खड़े कहीं नहीं उठाई लेते हो अब पता नहीं चलते कि कहाँ ले गए। वेलकम टू द मधेपुरा। तो मधेपुरा में हमारा आवागमन हो चुका है। एक बात है भैया मधेपुरा का, आज जेल हो कल बेल हो, यह है मधेपुरा जो कि है आपके सामने। मधेपुरा वही डिस्ट्रिक्ट जहाँ चलता है लालू यादव का जोर शोर। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। हमारा डेस्टिनेशन है भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी। तो यार उतने दिन से सस्पेंस में रखे कि कहां जा रहे, लेकिन फाइनली अभी बता देता हूं कि अभी मधेपुरा में भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी आया था। कुछ काम थे हमारे नाना के से रिलेटेड, कुछ काम था। बाय द वे अभी जो हूँ मैं मधेपुरा में हूँ और मेरे पीछे में होटल बोलो मोटल बोलो जो समझ में आओ बोल लो भाई, मतलब आज जेल और कल बेल वही वाला हाल है। खैर अभी जो हमारा जो नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि हमें जो जो काम करना है वो कंप्लीट कर उसके बाद वापस अपनी ओर जाना है। जब तक के लिए मैं चाहूँगा कि अपना वीडियो को बंद करना, और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप हमें लाइक कर दीजिए। और लाइक का एम कुछ भी नहीं है, जितना समझ में आए कर दो। अगर कोई बंदा जो मधेपुरा का हो रहा हो, अब मधेपुरा से हो अगर कोई बंदे और देख रहा हमारी वीडियो, तो भाई साहब पहचान जाओ यही वो शकल है जो कि ब्लॉगर है। सो बाय द वे थैंक यू सो मच कि अगर अब तक आपने हमारी वीडियोस को देखी है,